नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RKSMBK ऐप के माध्यम से RKSMBK आकलन पृष्ठ से पूर्व आपको जो है अभ्यास कार्य करना है। अभ्यास कार्य ऐप के माध्यम से किस प्रकार करना है, कक्षा 3 से 5 के लिए पेपर हैं जो उसका स्कैन आपको करना है वो अलग प्रक्रिया रहेगी और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग प्रक्रिया रहेगी। तो इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, किस प्रकार आपको अभ्यास कार्य करना है और जो RKSMBK आकलन होगा उसमें किस प्रकार आपको पेपर जो है अपलोड करने होगी, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा RKSMBK आकलन पृष्ठ होगा उससे रिलेटेड आदेश जारी किया है। देखिए, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत RKSMBK ऐप के माध्यम से करवाए जाने वाले RKSMBK आकलन पृष्ठ से पूर्व ऐप से अभ्यास के दिशा निर्देश, यानी कि जो RKSMBK आकलन पृष्ठ होगा उससे पूर्व आपको ऐप पर अभ्यास कार्य करवाया जा रहा है, यानी कि आप पेपर जब अपलोड करेंगे तो किस प्रकार करेंगे इससे पहले आपको अभ्यास कार्य कर लेना है। तो देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री मोदी की बजट घोषणा के अनुरूप विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल में सुधार के लिए संचालित RKSMBK कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को करवाए जा रहे उपचारात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की दक्षता प्राप्तियों के लिए आकलन के लिए गत सत्र की भांति RKSMBK आकलन पृष्ठ आयोजित किया जाना है, जिसके लिए इस सत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए OCR स्कैनिंग, देख लीजिए आप यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए OCR स्कैनिंग गत सत्र के अनुरूप ही किया जाना है, यानी कि जो गत सत्र में आपने कक्षा 6 से 8 के लिए OCR स्कैनिंग की थी वही प्रक्रिया कक्षा 6 से 8 के लिए रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जबकि कक्षा 3 से 5 की बहुपृष्ठीय आकलन पत्रक, यानी कि इस बार जो कक्षा 3 से 5 के एग्जाम होंगे यानी कि RKSMBK पृष्ठ होगा उसके बहुपृष्ठीय आकलन पत्रक में OCR सीट की स्कैनिंग के लिए गत सत्र की प्रक्रिया के अतिरिक्त के दाहिनी ओर एक QR कोड को अतिरिक्त स्कैन किया जाना है, यानी कि इस बार जो 3 से 5 का बहुपृष्ठीय आकलन पत्रक होगा उसके जो दाहिनी ओर जो पेज होगा यानी कि जो दूसरा पेज है उस पर एक QR कोड होगा, उसको अतिरिक्त रूप से स्कैन किया जाना है। अतः कक्षा 3 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की विषय अध्यापक मैपिंग, यहाँ पर ध्यान दें, कक्षा 3 से 8 के जो अध्यापक हैं उनकी मैपिंग आपको शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 15/10/2023 तक किया जाना सुनिश्चित करना है, यानी कि आपके RKSMBK सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनकी मैपिंग आपको शाला दर्पण पर करनी है। अगर अभी तक आपने शाला दर्पण पर मैपिंग नहीं की है तो वो आपको कर लेनी है। अगर इसकी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो प्राय बटन पर लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी जो है RKSMBK सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की प्रोसेस देख सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, इस हेतु शिक्षकों को ऐप के माध्यम से की जाने वाली आकलन प्रक्रिया में होने वाले बदलावों से अवगत करवाए जाने हेतु RKSMBK ऐप पर 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक एक अभ्यास सत्र रहेगा, यानी कि 16 से 18 अक्टूबर के बीच में अभ्यास सत्र रहेगा। ऐप के प्रयोग का चरणवार विवरण जो है इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर कक्षा 3 से 5 के लिए ऐप उपयोग के चरण, तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम शिक्षक RKSMBK ऐप पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करेंगे। लॉगिन के पश्चात शिक्षक उस कक्षा सेक्शन और विषय का चयन करेंगे जिसके लिए वे OCR शीट अपलोड करना चाहते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कक्षा 3 की OCR अपलोड करना चाहते हैं और विषय को आपको सेलेक्ट कर लेना है तो वो आपको यहाँ पर करना है। और देखिए, स्क्रीन पर प्रदर्शित विद्यार्थियों के नाम में से एक विद्यार्थी का नाम का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास कार्य किस प्रकार करना है, तो देखिए फर्स्ट जो आपको पेज मिलता है वो इस प्रकार मिलता है। यहाँ पर आपको कक्षाएं नज़र आ जाएगी और कक्षा का सब्जेक्ट भी आपको नज़र आ जाएगा, यानी कि आपको कक्षा सब्जेक्ट और उसका सेक्शन चयन करना है। और देखिए यहाँ पर आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है, तो इस प्रकार आपको विद्यार्थियों के नाम नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक विद्यार्थी का चयन करना है और यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का नाम नज़र आ जाएगा, कक्षा और उसका सब्जेक्ट नज़र आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फोटो अपलोड आपको करना है, तो इस प्रकार ये प्रक्रिया रहेगी। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थी के नाम के चयन के पश्चात स्क्रीन पर कक्षा 3 से 5 का चयन करने वाले शिक्षकों को OCR शीट के दोनों पृष्ठों की फ़ोटो को अपलोड करने का विकल्प मिलेगा, यानी कि इस बार 2 फोटो होंगे तो दोनों का आपको विकल्प मिलेगा। और क्योंकि कक्षा 6 से 8 में OCR शीट का एक ही पृष्ठ अपलोड किया जाना है, अतः स्क्रीन शॉट में दिखाया गया ऑप्शन कक्षा 6 से 8 के चयनित करने वाले शिक्षकों को दिखाई नहीं देगा, यानी कि ये अभी यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट मैं आपको दिखाऊँगा ये कक्षा 6 से 8 के लिए नहीं है, 3 से 5 के लिए है। देखिए यहाँ पर दिखाए गए स्क्रीन
स्क्रीन शॉट के अनुसार स्क्रीन पर आकलन पत्रक का पेज 1 हरे रंग में हाईलाइट मिलेगा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप तो दोनों पेज का फोटो सबमिट करें तो यहाँ पर पेज 1 है इसका हाईलाइट आपको मिलेगा, यानी कि इस प्रकार आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पेज 1 का बटन पर क्लिक करने पर कैमरा द्वारा स्कैनिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर पेज 1 पर क्लिक करेंगे तो आपको जो फोटो है उसको स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको फोटो स्कैन करके यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद देखिए अब ध्यान देने योग्य बात जो है वो मुख्य बात यह है कि कक्षा 3 से 5 के शिक्षक को OCR पेपर के दाहिने शीर्ष पर एक अपेक्षाकृत बड़े QR कोड को स्कैन करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर एक बड़ा जो QR कोड मिलेगा उसको आपको स्कैन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर दाहिने ओर आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए QR कोड स्कैन पर पॉपअप में विद्यार्थी का प्रासंगिक डेटा उक्त अनुसार प्रदर्शित होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार आपको डेटा मिलेगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार OCR उत्तर पत्रिका सेट 1 और आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए प्रदर्शित डेटा सही होने की स्थिति में शिक्षक आगे बढ़े पर क्लिक करें, यानी कि कंप्लीट होने पर यहाँ पर आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़े टैब पर क्लिक करने पर शिक्षक को कैमरा का ऑप्शन पुनः क्लिक के लिए तैयार मिलेगा। अब शिक्षकों को वास्तविक OCR शीट के सभी पृष्ठों की क्रमवार फोटो क्लिक करनी होगी, यानी कि जो बहुपृष्ठीय पेपर हैं उसके जितने भी पेज हैं उसको आप क्रमवार इसी प्रकार जो है अपलोड करते जाएँ। सिर्फ आपको यहाँ पर एक बार जो है QR कोड जो है कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है आपको वैसे ही करनी है जैसे आपने फर्स्ट में की थी। इसके बाद देखिए फोटो क्लिक करने पर स्क्रीन पर सत्यापन के लिए क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फोटो से मेल खाता है प्रदर्शित होगा, इसे सत्यापित कर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने पर क्लिक करने पर विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो जाएगा और प्रदर्शित होगा, इसी प्रकार दूसरा पेज स्कैन किया जाना है, यानी कि वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। यदि अपलोड की गई फोटो में कोई बदलाव करना चाहे तो सबमिट करने से पूर्व दोबारा अपलोड भी कर सकते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी QR कोड में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए सत्यापित करें और आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। इस विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो गया है, देखिए इसके बाद आपको पेज 2 का ऑप्शन मिल जाता है ग्रीन कलर में, आपको इसको भी अपलोड करना है। देखिए पेज 2 अपलोड करें तो इस प्रकार ये अपलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए ऐप के चरण, तो यहाँ पर कक्षा 6 से 8 का सिस्टम क्या रहने वाला है वो भी देखिए। कक्षा 6 से 8 के लिए पृष्ठ चयन स्क्रीन नहीं दिखाई देगी क्योंकि वहाँ केवल एक ही पृष्ठ अपलोड किया जाना है, क्योंकि अभी जो आपने पेज 1 पेज 2 का सिस्टम देखा वो 3 से 5 के लिए है, 6 से 8 के लिए आपके लिए वहाँ पर कोई पृष्ठ अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पर सीधा आपको जो है स्टूडेंट का चयन करके अपलोड करना है। QR कोड स्कैनिंग की प्रक्रिया कक्षा 6 से 8 के लिए नहीं करवाई जानी है, शेष प्रक्रिया कक्षा 3-5 के अनुपरूपी यहाँ पर रहने वाले, यानी कि 3 से 5 के लिए आपको QR कोड की स्कैनिंग की नहीं करना है, सिर्फ आपको पेपर है जो अपलोड कर देना है, बाकी प्रक्रिया 3 से 5 के समान है। RKSMB के आकलन से पूर्व उक्त अभ्यास सत्र RKSMB के ऐप पर 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यास सत्र का वीडियो भी विभागीय YouTube चैनल पर शीघ्र उपलब्ध होगा। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन कक्षा 3 से 8 के सभी शिक्षकों द्वारा उक्त मॉड्यूल के अनुसार शिक्षक अभ्यास सत्र को ऐप के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। तो ये थी साथियों यहाँ पर RKSMB के ऐप के माध्यम से जो RKSMB के आकलन पृष्ठ होगा उससे पूरा आपको अभ्यास सत्र करना है, अभ्यास सत्र में किस प्रकार आपको कार्य करना है और आकलन पृष्ठ किस प्रकार आपको जो है पेपर स्कैन करने अपलोड करने हैं वो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।